नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और उसके बाद जो है बीजेपी पार्टी में एक तरह से भगदड़ मच गई है। पार्टी छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो जो बीजेपी के जो प्रबल दावेदार थे टिकटों के, उनको कई जो टिकट दी गई है, नए चेहरों को मौका दिया है, भारी जो उम्मीदवारों को वहां मैदान में उतारा गया है, तो इसको लेकर काफी नाराजगी है। हमारे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। गढ़ी किलोई सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उन्होंने टिकट के लिए कह सकते हैं कि जो मांग की थी और अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन जो है गढ़ी किलोई सांपला से बीजेपी ने जो है मंजू हुड्डा, जो बाहुबली की पत्नी है, उनको मैदान में उतारा है। हुड्डा साहब से बात करते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से टिकटों के वितरण को लेकर जो नाराजगी जताई जा रही है कि जो टिकटें बांटी गई है वो सही नहीं दी गई। टिकटों के वितरण में अकेले रोहतक में नहीं है, पूरे हरियाणा में लोगों में असंतोष है, रोष है। और रोहतक में जो जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े कद्दावर हरियाणा के नेता हैं, 10 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पांच बार एमपी रहे हैं, बेटा भी उनका 4-5 बार एमपी रहा है। तो उसके खिलाफ एक बड़े नेता को उतरना चाहिए था। वो मंजू हुड्डा हमारी बच्ची है, अभी उसका इतना बड़ा कद नहीं था कि भूपेंद्र हुड्डा से मुकाबला कर सके। ये तो मैं जहां तक मैं समझता हूं कि बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया है, चुनाव से पहले ही वॉकओवर, और मुझे इसमें कुछ साजिश की भी बू नजर आ रही है। मेरे कार्यकर्ताओं के लगातार मुझ पर फोन आ रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी मेरे से संपर्क कर रही हैं। वो मुझे चाहते हैं कि उनकी उनकी पार्टी से मैं गढ़ी सांपला करूं, इसे एमएलए का चुनाव लड़ूं। लेकिन अभी मैं अपने साथियों से के संपर्क में हूं। मेरे करीब 5,000 से ज्यादा मेरे साथी हैं, मेरे सपोर्टर हैं, और वो बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज 20-25 हजार वोटें इधर उधर कर सकता हूं। तो मैं उनसे सलाह करूंगा, अगर वो कहेंगे मुझे चुनाव लड़ने की तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो मुझे मना करेंगे नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो नाराजगी है जो टिकट वितरण हुआ है बहुत रोहतक भारी में। नाराजगी है। 50 साल का मेरा कैरियर, मैंने एक चुनाव क्षेत्र में 50 साल अपनी जिंदगी के लगाए हैं, मेरे से ज्यादा इस क्षेत्र में कोई नेता नहीं गया जब से सृष्टि हुई है। उसके बाद जितना मैंने इस इलाके की सेवा करी है, किसी ने सेवा नहीं की। और मैं 5 बार की हारी हुई सीट मैंने 6ठी बार जीत के दिखाई थी 1991 में। तो मैं समझता हूं कि जो भी टिकटों का वितरण हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है। और मैं असेस कर रहा हूं अपनी पोजीशन भी और मैं अपने साथियों की पोजीशन भी, और अगर मुझे कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा तो ले लूंगा। जिस तरह से जो एक के बाद एक जो पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पूर्व मंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तमाम वो पार्टी को अलविदा करे, क्या आपको भी इरादा पार्टी छोड़ने का है? मेरे साथी जो कहेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे साथी मेरी ताकत है। जब मेरे साथ कोई भी नहीं था 2014 में, मेरी एक काल पे 5-6-7 हजार आदमी आ गए हैं, और आज भी मैं एक कॉल देता हूँ 5-6 हजार आदमी मिल आ जाते हैं। तो मैं अपने साथियों से सलाह करूंगा, वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और पार्टियों ने भी संपर्क साधा आपसे? जेजेपी और आईएनएलडी दोनों के नेता मेरे पास आए हैं जिले के, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा मैं अपने साथियों के सामने ये रख दूंगा आपका प्रस्ताव, और अगर वो मेरे साथी कहेंगे तो मैं निश्चित तौर पे उसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह से टिकट दी गई है नए चेहरों को, बगैर जो राजनीतिक उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, पार्टी ये कहती है हमने तीसरी बार रिपीट करना है, नए चेहरों को मौका मिले, और जिस तरह से वो नाराजगी है वो नाराजगी भी दूर कर दी जाएगी। नए चेहरों को मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि सामने कौन है। सामने एक हैवी वेट है,
उसके सामने एक नौसिखिया को लियाओगे तो कैसे जीतेगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, लोगों में बड़ा भारी असंतोष है और पार्टी को मुश्किल पड़ेगी चुनाव में। आपने साजिश की बात बताई थी, साजिश हुई है और इसकी बू भी आ रही है आपको, लेकिन साजिश कौन करने वाला है इस तरह का? और क्यों आपने जिक्र भी किया था कि मेरी टिकट काट दी, शमशेर करकड़ा की टिकट काट दी, रोहतक की होल्ड की हुई है, कि साजिश की पॉलिटिक्स में हो जाती है। 1996 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मैं 5 साल मिनिस्टर के बाद चुनाव लड़ रहा था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंसीलाल से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की थी। मैं मेरे खिलाफ उस समय बंसीलाल की पार्टी का हवा सिंह एडवोकेट, जो एडवोकेट जनरल रहा है, वो उम्मीदवार था मेरे खिलाफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी बंसीलाल के पास चले गए कि हवा सिंह हुड्डा से कृष्ण मूर्ति हुड्डा नहीं हारेगा। बंसीलाल जी ने पूछा क्यों, कहता नहीं ये हारेगा तो इसके आप इसके भाई को खड़ा करो जब हारेगा। तो उस समय बंसीलाल जी ने हवा सिंह की टिकट काट के, हालांकि वो चुनाव मैदान में कूद भी चुके थे, प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में उनको छुड़वा के मेरे भाई को मेरे खिलाफ लड़ा और हम दोनों भाई हार गए और तीसरा आदमी जीत गया। तो इस प्रकार की साजिशें हो जाती हैं पॉलिटिक्स में। तो मेरा अनुमान है कि ये एक साजिश के तहत मेरा टिकट कटा है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के भी हैं? मेरे साथी कहेंगे तो निर्दलीय भी लड़ूंगा, सारा मेरे साथियों पर डिपेंड करता है। ये थे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जिनका कहना था कि बीजेपी ने जो टिकटों का वितरण किया है उसको लेकर उनकी भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अपने जो समर्थक हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, अगर पार्टी छोड़ने की बात आई तो पार्टी भी छोड़ देंगे, और अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं अगर समर्थक उनके कहेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से साजिश हुई है, नए चेहरों को मौका मिला है, पार्टी में साजिश होती रहती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।